चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मर्दान की दिखाने बीजेपी एमपी रघुनंदन राव का चैलेंज। हल्के लोकसभा से बीजेपी के नौ मुंतखब रुकन पार्लियामेंट एम रघुनंदन राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो तेलंगाना की मर्दान की दिखाते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर को गिरफ्तार करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी में दम खम है तो वो डीसीपी राधाकृष्ण राव के बयान की बुनियाद पर 30 जून तक साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर को गिरफ्तार करके बहादुरी का मुजाहरा करें। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को एक और चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो एसीपी भोजंग राव के बयान की बुनियाद पर बीआरएस एमएलए टी हरीश राव को भी गिरफ्तार करें। कल यहां रियासती बीजेपी के दफ्तर में एमएलए ए महेश्वर रेड्डी और पुलवाई हरीश बाबू के साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर के इस बयान पर तनकीद की कि बीआरएस वोटों की बीजेपी को मुंतकली की वजह से रघुनंदन राव को मेदक में कामयाबी हासिल हुई। रघुनंदन राव ने चीफ मिनिस्टर को मुंतबा करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी, जब आप मेरे और मेरी पार्टी के बारे में बात करते हैं तो महात रहे, मैंने तेलंगाना तहरीक में पुलिस के साथ जय तेलंगाना का नारा लगाते हुए हिस्सा लिया था। मैं आप जैसे लोगों से नहीं डरता। मैं बीआरएस छोड़ने के बाद वो 2013 से मुसलसल केसीआर और हरीश राव के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी बहुत बोल रहे हैं लेकिन महबूब नगर एमएलसी का जिमनी इंतखाब और मलकाजगिरी पार्लियामेंट इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी बनाने में वो नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को वजाहत करना चाहिए कि बीआरएस ने अपने वोट का कांग्रेस को मुंतकिल किए या नहीं, क्योंकि कांग्रेस को 8 पार्लिमानी हलकों पर कामयाबी हासिल हुई थी। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी जिला मेदक में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत को यकीनी बनाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मंदिर में हलफ लेने के लिए तैयार हूं कि हरीश राव ने बीआरएस के वोटर से मुझे वोट देने को नहीं कहा है। मैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर आने के लिए तैयार हूं। रेवंत रेड्डी को अपने दोस्त हरीश राव को उस मंदिर में तलब करना चाहिए। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने नीलम माधो को कुर्बानी का बकरा बनाया क्योंकि नीलम हरीश राव की हामी है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि फोन टैपिंग केस में हरीश राव की हिफाजत कौन कर रहा है। रघुनंदन ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानियां हुई है, हुकूमत हरीश राव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है जो उस वक्त वजीर आपाशी थे। उन्होंने कहा कि ये सच नहीं है कि चीफ मिनिस्टर और हरीश राव ने नई दिल्ली के लिए एक ही फ्लाइट में बिजनेस क्लास में सफर किया था और इस मसले पर तबादले ख्याल किया था। रघुनंदन राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो मुझ पर सिर्फ इसलिए इल्जाम आयद करे कि मैं और हरीश राव एक ही जात से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान मेदक में बीआरएस उम्मीदवार वेंकट राम रेड्डी ने अंधाधुन रकम तकसीम की लेकिन पुलिस ने मुतअद्दिद शिकायत दर्ज करने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें शमा न्यूज़ के साथ।